सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाधिके शरण्यत्रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माँ काली माता जी का संदेश आपके लिए क्या है हम देखते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सनल लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को समझिए, इस बदलाव को स्वीकार कीजिए। किसी की भी बुरी नज़र हो, किसी की भी निगेटिविटी हो, आप माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। माँ काली माता जी आपकी पूरी तरीके से रक्षा करें, हर एक प्रकार से, हर एक बुरी शक्ति से, हर एक बुरी नज़र से, जो आपको पता भी है जो आपको नहीं भी पता है, उन सारी चीज़ों से माता जी आपकी रक्षा करी है। जय माता दी। एक्सपेक्ट मिरेकल, आपके लाइफ में आप चमत्कार को, जैसे कहते हैं ना कि चमत्कार आप देखने वाले हैं, आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चमत्कार होने वाले हैं। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से बेबी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत ही अर्थ एंजल की एंट्री हो रही है आपके बेबी के रूप में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप और आपके जो क्लोज वन है, जो पर्सन है, वो काफ़ी, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में हैं, आप अलाइन में हैं। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आप वरी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई, पर यहाँ पर माता जी का संदेश है कि आपको मिरेकल मिलेगा, आपको चमत्कारी एक प्रभाव मिलेगा। ठीक है, हीलिंग हो सकता है आप कर रहे हैं। जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, ये है कि आपकी रचनात्मक प्रक्रिया, आपने कुछ सीखा है फिर आपने छोड़ दिया है, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने जो लर्न किया है उस पर अब अर्न करने का समय आ गया है। बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठा के साथ आप कार्य कर रहे हैं और आपको आपके क्रिएटिविटी में अवार्ड रिवार्ड भी मिल सकता है। आप म्यूज़िक से जुड़े हो सकते हैं, आर्ट से जुड़े हो सकते हैं, लेखन से जुड़े हो सकते हैं, आप क्रिएटर हो सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है। तो यहाँ पर माता जी का संदेश है कि सारी निगेटिविटी को हील किया जा रहा है। आप अपने परफॉर्मेंस अच्छे से दीजिए, आप जिस प्रकार से मेहनती हैं, आप मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपको ऐसा लग रहा है अब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर माँ काली माता जी का संदेश है कि आपके गार्जियन एंजल आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपको पता भी चलता होगा कि कोई है, कोई शक्ति है, जब आप डिसबैलेंस होते हैं, कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपको माता जी यहाँ पर बता रहे हैं, माता जी का संदेश है कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपकी प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके इस पिछले कुछ समय में आपको अग्नि से भय लगा होगा, अग्नि का स्वप्न आया होगा, या किसी एनिमल का आपको ड्रीम आया होगा, और एक बहुत ही अलग चीज़ नज़र आ रहा है कि आपने हीलिंग सीखा है या आप हीलर हैं, तो आपको जो चोट लगा है वो बहुत जल्दी भर गया है। ठीक है, तो ये बताता है, जैसे कि हम सिद्धि की बात करते हैं ना, तो ये बताता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आप जिस भी तरीके से आप माता जी की पूर्ण शरण में हैं, आप पास लाइफ से हैं, इस लाइफ से हैं, आप उनकी शरण में हैं और आपको पता भी नहीं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। ठीक है, यही कारण है कि निगेटिविटी आपके माइंड पर, आपके अपनों से दूर करती है, आपको निगेटिव वाइब्स है, ये निगेटिव ऊर्जा है जो आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करती है, और वो जब डिसबैलेंस करने की कोशिश करती है तो आपकी जो सिद्धियाँ हैं, जो आपकी शक्तियाँ हैं, वो बाहर निकलती है। ठीक है, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, आपको भले पता हो या ना हो, तो आप ऑलरेडी, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और इस सिद्धि की जानकारी आपको नहीं है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को है जो ये जानते हैं एनर्जी वाइज। ठीक है, तो वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते रहते हैं। देखिए, जय माता दी। हाई प्रिस्टेस, आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, ठीक है, आप एक पुजारिन हैं, आप चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप पुजारी पुजारन हैं। ठीक है, और ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है आपके अंदर, ये जो एक अद्भुत शक्ति है, ये पास्ट लाइफ से चला रहा है और पास्ट लाइफ से आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है। देखिए, जहाँ पर ये बोलने वाली बात ही नहीं है, जहाँ पर भी लाइट रहता है ना, तो आप देखते होंगे ना कि कैसे कीट आते हैं, है ना, जहाँ पर बहुत प्रकाश होता है, वैसे ही जहाँ पर पॉजिटिविटी होता है वहाँ पर निगेटिविटी वो अपना कार्य करती है कि आपको रोकने का, उनका कार्य है आपको रोकना, आपका कार्य है कई गुना तेज गति से आगे बढ़ना। तो आपको माता जी यहाँ पर बता रहे हैं, आप अपना कार्य कीजिए, आपको बार बार पीछे पलट कर नहीं देखना है, आप अपना कार्य कीजिए, क्योंकि देखिए
फेयरनेस के साथ, यदि आप ऑनेस्टी के साथ ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, किसी के लिए भी गलत सोच नहीं करते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, सबके लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं, किसी के भी प्रति मन में आपकी कोई भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं है, चाहे आपको पता भी चल गया कि किसी ने कुछ ऐसा किया, ठीक है, तब ये रीडिंग आपसे पूरी तरीके से रिजोनेट करेगा। फेयरनेस में रहना है, जो भी स्थिति हो रही है एक बैलेंस आ रहा है, एक कार्मिक जो साइकिल चल रहा था उसमें बैलेंस आ रहा है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रहे थे, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है, तो आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत लंबे समय से अपने फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, घर से जुड़ा हुआ कुछ सोच रहे हैं, वो बर्डन आपका रिलीज होने वाला है परमात्मा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। आप में से कुछ लोगों को कुछ पोस्ट पोजिशन रेजिग्नेशन मिलने वाले हैं। ये पोजिशन 5D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, मटेरियल लाइफ में भी हो सकता है। बहुत संघर्ष आपने किया, अब संघर्ष के बाद एक सुकून मिलने वाला है, एक सफलता आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, घर से जुड़ा हुआ, इवेंट से जुड़ा हुआ कुछ इवेंट आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा सक्सेस आप अचीव करेंगे, और उसमें आपके फैमिली मेम्बर भी, जो आपके क्लोज वन है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, वो भी आपके साथ यहाँ पर मतलब उस सेलिब्रेशन में रहेंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दिया कि कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पर हो सकते हैं जो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए, क्योंकि मून का मैंने फिर से रख लिया था, मून का कड़ा है, तो ऐसे लोग जो आपको रोक रहे थे, ऐसे भी कुछ लोग, 3 से 4 लोग भी उस सेलिब्रेशन में आपको मिल सकते हैं, या वो आपके आसपास है तो हो सकता है कि वो आपको इनवाइट करें, या आप एक किसी ऐसे फंक्शन में जाएं जहां पर उनमें से भी कुछ लोग आपसे मिले, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन जो है अटेंड करने वाले हैं, ये फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है, सोशल गैदरिंग हो सकता है, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत कुछ देखा है, इस बीच में आप डिसबैलेंस हुए हैं, इस बीच में आपको बहुत एक्जर्सन हुआ है, ठीक है, इनर एंड आउटर एक्जर्सन हुआ है, बहुत हड़बड़ी में आपके लाइफ में चेंज आया है, जैसे कि मैंने पहले बदलाव कहा था, तो बहुत ही हड़बड़ी में आपके लाइफ में ट्रांसफर, हड़बड़ी मतलब एकदम सडन हुआ है, सडन चेंज हुआ है। आप सोच ही रहे थे और आपके लाइफ में इतना सडन चेंज हुआ है कि आप समझ भी नहीं पाए कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, क्या हो रही। स्टार्टिंग में तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या है, आपने प्रार्थनाएं भी की, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाने के लिए की जा रही थी कि आप डिसबैलेंस हो जाए, अपना जो कार्य करें, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, जिस पर आप लगे हुए हैं, अभी आपको नहीं मिला है आपका सोल पर्पस, तो चाहते हैं कि आपको आपका सोल पर्पस ना मिले। आप चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, आपका लाइफ पर्पस में आप चल रहे हैं, उस पर आप सही तरीके से कार्य ना कर पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो आप एक परीक्षा की तरह लीजिए इसे, क्योंकि परीक्षा से, एग्ज़ाम से लेसन सीख कर आप बाहर निकलते हैं, तो आप बाहर निकल रहे हैं, आपके मनी में जो ब्लॉकेज था वो हील हो रहा है, आप रात रात भर जागे हैं, ठीक है, जो सडन चेंज आया है ना आपके लाइफ में, रात रात भर आप जागे हैं, आपको मनी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है इस बीच में, मनी से जुड़ा हुआ आपने सोचा ऐसा, लेकिन क्योंकि ये जो स्थिति है, ये जो निगेटिविटी है, ये जो स्टकनेस है, वो अब आपके लाइफ से, देखिए डेथ का कार्ड है, पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। किसी का कंट्रोलिंग नेचर, किसी की जेलसी की वजह से ये सारी चीज़ें थी जो पूरी तरीके से समाप्त की जा रही है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि बार बार आपके लाइफ में कार्मिक पैटर्न कोई स्टार्ट करते थे। अब मैं ज़्यादा सफल नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन, उत्सव, बाबा जी का भी संदेश दोनों कार्ड में यही आ रहे हैं कि एक सेलिब्रेशन आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और आप में से कई लोग, मुझे लग रहा है कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर, तब पॉजिटिव तरीके से, या जो मुझे रचनात्मक कार्य नजर आए, वो किसी न किसी के लिए कोई आपका ब्लॉग हो सकता है, या आप लिखते हैं कुछ, तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस आए हैं, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्क सीखने का, और स्पिरिचुअल वर्क यदि आपने सीखा है तो उस पर अमल कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, स्टकनेस जो है कार्मिक स्थिति की वजह से ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हो रही थी, किसी थर्ड स्थिति की वजह से हो रही थी, मून के साइकिल में हो रही थी, आपके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया गया था, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये जो समय था न्यू मून से फुल मून का, आपके लाइफ में सडन चेंज का था,
तो ये जो सडन चेंज है ये अब पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। हम आपके लिए हैंड रिटन मैसेज भी लेते हैं और मुझे यहाँ पर तो यही लग रहा है कि आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, ठीक है। तो आप अपने तरफ पूरी तरीके से ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जिसे आपको पहचानना है, जिसे आपने पहचाना नहीं है। जिसने भी आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है उसको उनके कर्म का फल तो मिलेगा यार, नहीं तो कल है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। रिलीज योर फियर, ये आपके फियर की वजह से ही इनको इतनी शक्ति मिली, इतनी ताकत मिली। तो आपके मणिपुर चक्र को आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। इन्होंने पहले आपके थर्ड आई चक्र और मणिपुर चक्र पर ही किया, उसके बाद फिर मणिपुर चक्र से नीचे आपका सैक्रल चक्र होता है, तो सैक्रल चक्र से ही जुड़ा हुआ क्रिएटिविटी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था आपके माइंड में ही कि मैं ये करूँ वो करूँ। अब आपको सही तरीके से फियरलेस होंगी, आपको फियरलेस होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर आपको कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती ना। जब हम सांस लेते हैं वायु हमें दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन महसूस तो होता है ना कि हम जीवित कैसे सांस ले रहे हैं, हमको वायु मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तभी तो हम जीवे ना। तो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती है, कुछ चीज़ें एहसास करने की होती है, महसूस आप कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। रिलीज योर फियर इमीडिएट, तुरंत आपको अपने फियर पर कार्य करना है। यदि आप को लगता है आपको सडन कुछ चेंज होता है तो आप बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाते, नहीं होना है। आपके सपनों के द्वार खुल रहे हैं, देखिए 177, तो आपके कोई आपका कोई ड्रीम है जो आपने कभी ना कभी मून रिचुअल में आपने मैनिफेस्ट किया था या अनजाने में आपने उस दिन कहा था, ठीक है, तो वो आपके पूरे होने वाले हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस होता है, मनी ब्लॉकेज है, तो गुरुवार के दिन आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए 321, 12, तो बृहस्पति देव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अजय दुआ जी का बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। और आप यदि जून के मंथ के लिए रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना नाम और आप क्या कार्य करते हैं वो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेक केयर।